सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा तेजस्विनावधितमस्तु मा शांति ही, शांति ही, शांति ही। वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है आधुनिक पद पद्धति है धार्मिक सामाजिक आर्थिक मानसिक शारीरिक हर प्रकार से उन्नति का जो साधन है जो ऋषियों की परंपरा है जो हमारे महापुरुषों की परंपरा है जो हमारे पूर्वजों की पुरखों की परंपरा है उसके हम सच्चे संवाहक बने उस जीवन को हम जिए जिससे इस जीवन का और इस जगत का कल्याण कर सकें ऐसा उपदेश ऐसा संदेश हमको कल्याणी वेदवाणी से मिलता है वेद माता की गोद में हमारा भरण पोषण होता है हम इस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं इस प्रकार से अपनी समस्त जान परंपरा को ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें निसंदेह निसंकोच हमको सतत लगे रहना चाहिए दुर्जनों का काम है कार्य को रोकना खलल डालना विघ्न बाधा पहुँचाना क्षतिग्रस्त करना परंतु वहीं पर विद्वानों का कार्य है धीर गंभीर अनुभवी लोगों का कार्य है कि सामने कुछ भी समस्याएं आ जाए कितने भी विघ्न बाधा आ जाए जो श्रेय मार्ग है जो कल्याण का मार्ग है जो धर्म का मार्ग है उससे कभी विमुख नहीं होना कांटे तो अपना काम करेंगे लेकिन फूल कभी खिलना छोड़ते नहीं है फूल तो खिलेंगे उन्हीं पुष्पों का उन्हीं फूलों का अधिक मान होता है उन्हीं का महत्व होता है जो कांटों में भी खिलते हैं तो संसार में दुर्जनों का सज्जनों के साथ सदा से वैर रहा है जो दुर्जन हैं जो पापी हैं जो कुटिल हैं जो दुष्ट हैं उनसे कभी भी यह संसार खाली नहीं रहा है तो हमको उनका कभी भी उनकी परवाह ना करते हुए उस साथ साथ हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए दुख भी मिलेगा अपमान भी मिलेगा इन अपमानों को इन दुखों को सहन करते हुए जो ध्येय मार्ग हैं जो श्रेय मार्ग हैं उसमें सदा आगे बढ़ते जाना है प्रभु की भक्ति के साथ मैत्री के साथ करुणा के साथ सौहार्द के साथ आगे बढ़ेंगे तो पापी कितना भी जोर लगा लें वो कभी भी हमारा अहित नहीं कर सकते हमको जागरूक रहने की आवश्यकता है हमारे अंदर भी दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं एक आसुरी शक्ति एक दैवी शक्ति एक आसुरी संपदा एक दैवी संपदा इनमें हम दैवी संपद से युक्त होकर के सदा ऊपर उठने का प्रयास करें देवत्व के गुणों से अपने झोली को भरें तब जाकर के जीवन हमारा सुव्यवस्थित होगा और यही सच्चा मानव जीवन है आरंभ से लेकर के अंत तक इसकी सन्निधि में रहें वेद के आदेश उपदेश को निर्देश को संदेश को आत्मसात करें हमारा कभी भी अकल्याण नहीं होगा जो जिसका काम हो तो करता रहेगा संसार में जो गाली देने वाले गाली देते रहेंगे जिसके पास जो है वही देगा इसलिए ये कहा कि प्रभु भक्त मैत्री प्रभु हमें पापी पुरुषों से बचाए प्रभु भक्तों का मित्र कभी हिंसित नहीं होता है सदा सदा बढ़ता रहता है तो प्रभु का भक्त हम बने उस परमात्मा के भक्त बने तो हम इन पापियों से बचेंगे पाप की वृत्ति जो हमारे अंदर उठती है जो अधर्म की वृत्ति उठती है उससे हम बच जाते हैं तो बहुत ही सुंदर मंत्र है मैं इसको लिखता हूं फिर आगे चर्चा बढ़ाऊंगा ओम

विश्वतो रक्षा विश्वतो रक्षा अराज न

नारिश्चित वावतः हा तवावता तवावता सखा म सोम विश्व तो रक्षाराजन्न सखा ओ तम सोम विश्व रक्षाराजन्न घायता सखा प्रभु की भक्ति के साथ मैत्री के साथ जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हमको कोई भी शत्रु दबा नहीं पाता कोई भी पापी हमारे ऊपर अपना आधिपत्य अपना अधिकार नहीं जमा पाता है बहुत ही सुंदर प्रार्थना यहाँ पर कही है और हम जो दुर्जन लोग हैं उन दुर्जनों से कैसे बचें दुर्जन की जो प्रवृत्ति होती है वह हमारे लिए बड़ी घातक होती है अपना प्रभाव हमारे ऊपर डालने में वह समर्थ हो जाते हैं जब हम प्रभु की भक्ति नहीं करते प्रभु की भक्ति का तात्पर्य क्या है कि प्रभु के जो गुण हैं प्रभु की जो प्रेरणाएं हमारे लिए हैं प्रभु का जो अब उपदेश हमारे लिए हमारे लिए जो कल्याणकारी वचन हैं जो संदेश हैं उनको हम आत्मसात करें माता पिता गुरु आचार्यों की सन्निधि उनकी शरणागति से हम जैसे उज्ज्वल भविष्य वाले बन जाते हैं हमारा जीवन दे दीप्यमान हो जाता है जान से विवेक से त्याग से समर्पण से वैसे ही जब हम उस परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त करते हैं तो उससे हमारे जीवन में दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्वहारों को हम छोड़ करके उसकी कृपा से अहिंसित जीवन जीते हैं हिंसा हमारे ऊपर किसी की जो है विशेष रूप से हमको प्रभावित नहीं करती है तो हे सोम तुम न सोम कहा कि हे शांत प्रभो तुम आप न हमें विश्वतः सब ओर से अघायतः पाप व बुराई को चाहने वाले पुरुषों से रक्ष रक्षित कीजिए हे राजन सारे संसार का शासन करने वाले प्रभो तो सखा आप जैसे का मित्र नश्चित हिंसित नहीं हो सकता हम लोक में भी इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझते जानते हैं यहाँ पर बात कही कि जो तुम्हारी सन्निधि में तुम्हारी जो कृपा में रहता है उसको कभी भी कोई हिंसा नहीं सताती है उसको कोई हिंसित नहीं कर पाता है हम लोक में देखें कि कोई गांव का प्रधान है कोई सांसद है कोई मंत्री है कोई मुख्यमंत्री है कोई प्रधानमंत्री है जितना जितना पावरफुल व्यक्ति होगा और उस पावरफुल व्यक्ति से जिस जिस के संबंध होते हैं तो गांव के लोग उससे डरते हैं क्षेत्र के लोग उससे डरते हैं अरे इसकी तो मित्रता बड़े पावरफुल व्यक्ति, व्यक्ति से है इसकी मित्रता मंत्री से है इसकी मित्र मित्रता राजा से है प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से है तो इससे बचो दुष्ट लोग भी उससे बचते हैं उसको सताने का दुस्साहस कभी भी करते नहीं हैं हम इस लोक में ऐसी जब रीति नीति देखते हैं सिद्धांत ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर कितना सुंदर उपदेश किया है कि जो उस परमात्मा की सन्निधि में रहता है जो सबसे बड़ा राजा है राजाओं का भी जो राजा है जो सबका स्वामी है स्वामियों का भी स्वामी है जो सबका पति है वो अधिपति है वो विश्वपति है वो वो है। है, उसकी जो मित्रता करता है, उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। उसको दुनिया की कोई ताकत कोई माई का लाल कभी दुखी नहीं कर सकता है लेकिन उसकी मित्रता को हम समझें जाने हम उसको आत्मसात करें उसको कम से कम अनुभव करें तो हम जीने का जो मर्म है जीने का जो ढंग है जो निर्द्वेष होकर के निर्द्वंदु निराहंकार होकर के जो जीने का भाव है उसको समझ करके जीवन जीने की कला सीखें यही वैदिक जीवन पद्धति है ये वेदों का संदेश उपदेश है हमारे लिए हम उस प्रभु को अपने हृदय में सदा बसाएँ उस परमात्मा का जो मित्र होता है वो निश्चित वो कभी भी न वो कभी हिंसित नहीं हो सकता है प्रभु का स्मरण हमें पापों से बचाता है हम पाप से बचते हैं अधर्म से बचते हैं अन्याय से अविद्या से अंधकार से अज्ञान से हर प्रकार के अभाव से बच जाते हैं हम प्रभु के भक्त बन जाते हैं अर्थात हम उसका अनुभव करें प्रभु की गोद में अपने को अनुभव करके हम निर्भयता को प्राप्त होते हैं उस समय अघ को चाहने वाले पुरुषों का हम शिकार नहीं बनते राजन नघा इस प्रकार संसार में त्वा यतः प्रभु जैसों का अर्थात प्रभु भक्तों का मित्र बनने पर हमारी हिंसा कभी नहीं होती है इन प्रभु भक्तों के संग संपर्क में आने से हमारी वृत्ति भी सुंदर बनी रहती है ये प्रभु की ओर चलते रहने से हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाता है मन में तन में बहुत दिव्यता आ जाती है इनके मित्र बनकर के इनके पीछे चलते हुए हम भी प्रभु के समीप पहुँचने वाले हो जाते हैं प्रभु हमें पापी पुरुषों से बचाते हैं बचाएं प्रभु भक्तों का मित्र कभी भी हिंसित नहीं होता है कोई भी उसको परेशान नहीं कर सकता कोई उसको दुखी नहीं कर सकता है इस प्रकार से यदि हम इस जीवन को जीना चाहते हैं तो प्रभु की भक्ति के बिना और कोई संसार में दूसरी युक्ति नहीं है उसकी भक्ति से ही शक्ति मिलती है उसकी भक्ति से ही हमको मुक्ति मिलती है तो ऐसा यह जो प्रार्थना का भाव है हमारे हृदय में उतर जाना चाहिए संसार में लोग दुखी करने के लिए बैठे हुए हैं यदि हम प्रभु के भक्त हैं प्रभु की भक्ति से उसके आदेश से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो हम निसंदेह सुखी रहेंगे इस संसार में सच्चा सुख वही पाता है जो वेद के अनुकूल जीता है वेद के अनुकूल अपने आचरण को करता है संसार को जो खुश करना चाहता है और परमात्मा के आदेश को नहीं मानना चाहता वो कभी खुश नहीं हो सकता वो हमेशा दुखी रहेगा और दूसरों के निंदा से दूसरों की चुगली से दूसरों की ईर्षा द्वेष छल कपट से व्यक्ति वो दुखी नहीं होता है अंदर के पाप भी उसको नहीं नष्ट कर पाते हैं अपित तो वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं इसलिए प्रभु का हम सदा स्तमन करें उसकी भक्ति करें और प्रभु के भक्तों का हम सदा अनुकरण करें ऋषि राम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपन था जो ऋषियों का जीवन है जो ऋषियों की जीवन शैली है उसको हम आत्मसात करें त्याग से तप से अपने जीवन को सुंदरतम बनाने का प्रयास करें तथा जो हमसे ज्ञान में विज्ञान में बढ़े हुए हैं उनका हम अनुकरण करें उनकी आज्ञा का पालन करें उनके अनुभव से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें नए नए एक्सपेरिमेंटमेंट करने से नए नए प्रयोग करने से जीवन समाप्त हो जाता है और फिर क्या होता है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया और सम्मा बुझ गई तो फिर महफिल में रंग आया जैसे जैसे जीवन हमारा घटता जाता है जीवन के तथ्य सत्य हमारे सामने आते जाते हैं और अंत में क्या होता है कि हमको यह एहसास होता है कि हमने तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बहा दिया ये ना हो हम जब जागें तभी सवेरा दुनिया की हम कभी भी परवाह न करें दुनिया को ईमानदारी से सच्चाई से सादगी से तपस्या से त्याग से प्रेम से करुणा से जीतने का प्रयास करें यही सच्चा साधक होता है, जो ऐसा कार्य करके आगे बढ़ता है जो छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है छोटी छोटी बातों में दूसरों को दुखी करता है वो कभी सच्चा साधक नहीं बन सकता है और ऐसे व्यक्ति के मन में कभी न कभी संशय उत्पन्न होता है पाप की प्रवृत्ति जागृत होती है और व्यक्ति पाप कर बैठता है हम दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों का विश्लेषण करें यह इतना मान्य नहीं रखता इतना यह अनिवार्य नहीं है परंतु अपने द्वारा किए हुए कर्मों का विश्लेषण हर क्षण हर पल करना चाहिए कि क्या मैं वेदों के अनुकूल जीवन को जी पा रहा हूं जो ऋषि महर्षियों का जीवन है जो महापुरुषों का जीवन है क्या उसके अनुसार अपने जीवन को कर पा रहा हूं यदि नहीं कर पा रहा हूं तो करने का प्रयास करना चाहिए उस पथ के हम पथिक बने जहां पर भटकाव ना हो जहां पर कोई परमात्मा से अलगाव ना हो टकराव ना हो इस प्रकार से यदि हम जी जी सकते हैं तो संसार के लोग कुछ भी कहें ददतु ददतु गालिम गालिमंतो भवंतः वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्थः जगति विदित मेता दीयते विद्यमानम् नहीं शशक विशानः कोपिकास्मै ददाति कोपिकास्मै ददाति संसार में नीतिकारों ने लिखा है कि तुम संसार की परवाह मत करो लोगों की परवाह मत करो क्योंकि लोगों का काम यही है कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे लोगों का काम है कहना लेकिन आपका काम है उनकी बातों को सहना और अंदर ही अंदर आनंदित रहना बाहर से प्रभावित यदि हम हो गए तो दुखी होंगे अंदर ही अंदर अपने आप को परमात्मा में समर्पित करें परमात्मा की प्रति निष्ठा भक्ति के साथ जिएंगे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे संसार में कोई गाली देगा देते रहिए कोई अपशब्द कहे कोई भला कहे कोई बुरा कहे कोई मान करे अपमान करे घबराना नहीं निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी वसतु आगतु यथेष्ट मरणमस्तु युगांतरेवा पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा कहा कि निंदन तु नीति निपुड़ा नी जो नीति में निपुण नी बुद्धिमान है बहुत धीर गंभीर है यदि वो भी तुम्हारी बुराई करें और तुम सही पथ पर हो वेद के मार्ग पर हो तो उनकी बुराई से तुम घबराना नहीं निंदा करने दो निंदन तु नीति निपुड़ा नी यदि वास्तुवंतु चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें लक्ष्मी समा विशत वो लक्ष्मी धन संपदा आए चाहे बिल्कुल चली जाए अभी लक्ष्मी समा विशत गच्छत हुआ यथेष्टम अदैव व मरण आज चाहे मेरी मृत्यु हो जाए अदैव मरण मस्तु चाहे युगों तक जीना पड़े तो भी न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होना। न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीरा उनको एक बार जो इस जान की मार्ग पर जो भक्ति के मार्ग पर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं वो कभी भी पीछे पैर नहीं रखते कभी भी रण में पीठ नहीं दिखाते हैं इस प्रकार से ददतु ददतु गालिम गालिमन तो संसार में बहुत लोग गाली देने वाले उस ईश्वर को भी नहीं छोड़ते समय पर उसको भी गाली देते हैं लेकिन यह एक सत्य है एक तथ्य है जो श्लोक में बताया गया कि ददतु ददतु गालिम गाली मंतो भवंता अरे दुनिया के लोगों जो गाली देने वाले हैं दीजिए खूब दीजिए गाली पानी पी पी करके गाली दीजिए क्यों क्योंकि गाली मंतो भवंता आपके पास गाली है आप गालीवान हैं जिसके पास धन होता है वो धनवान होता है जिसके पास होती, बुद्धि होती बुद्धिमान होता है जिसके पास शक्ति होती शक्तिमान, जिसके पास बल होता है, बलवान होता है तो ऐसे जिसके पास गाली है वो गालीवान है तो गाली वाले के पास जाओगे तो गाली मिलेगी धन वाले के पास जाओगे तो धन मिलेगा बुद्धि वाले के पास जाओगे तो बुद्धि मिलेगी जो जान जिसके पास जानवान वो जान बांटेगा तो उनका दोष नहीं है जगत ये संसार में वयम यदभावे जैसे आपके पास गाली है मेरे पास तो गाली नहीं तो मैं आपको क्या गाली दूंगा? अब आपने गाली सुन ली तो इसका मतलब यह है कि आपने उसके द्वारा दिए गए अपशब्दों को स्वीकार कर लिया लेकिन आपके पास वो नहीं है गाली है ही नहीं आप बिल्कुल रिक्त हैं शुद्ध हैं बुद्ध हैं पवित्र हैं तो आप बदले में गाली दे दिए तो समझो आप भी गालीवान हो गए बुद्धिमान आप नहीं हैं तो गाली कोई दे तो सुन लो इस कांस से सुनो इस कांस निकाल दो जगत विदित में दीयते विद्यमानम इस संसार में पब्लिक है सब जानती है क्या जिसके पास जो है वही देता है नहीं शशक विषाणा को भी कसम ही खरगोश का सिंह होता नहीं कोई बोले कि खरगोश का सिंह ले आओ जी आप कैसे ला के देंगे खरगो खरगोश का सिंह होता ही नहीं है इसलिए जो धीर गंभीर विद्वान होते हैं उनका चरित्र उनका आचरण दे दीप्यमान होता है वो प्रभु के भक्त होते हैं प्रभु की शक्ति से वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं उन पर कोई किसी प्रकार से आँच नहीं आती है और वो कभी हिंसित नहीं होते दूसरों से तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते ही शुभ संकल्पों के साथ अगली कक्षा अगले नए मंत्र के साथ करेंगे ओम शांति ही शांति ही शांति ही।